नमो नुवे सौहरियंताणम नमो नुवे सौसुदानम नमो नुवे सौवायरियाणम नमो नुवे सौजायाणम नमो नुवे सौत्रिकावति श्रावणम ओंकारमिंदु संयुक्त नित्यं जयंती योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान मंगलम गौतमोऽ मंगलम कुंकुमारी उजेन्द्रमोऽ सुमंगलम नमः सुमतिस्थानाय स्वानुभूत्यास्ति स्वाय भवाय सर्वाता बारमा प्रश्न भावा बारमो पढ़ते हो शूद नय की दृष्टि से देखा जाए बारमा को से इसका भावा है आत्मा को शुद्ध नय नाम निश्चय दृष्टि से टिकारी ज्ञायक भाव को देखने से सर्व कर्मों से रहित भगवान आत्मा को है। दर्शन की व्याख्या है सम्यक दर्शन। सर्व कर्मों से रहित राग आदि थीपण रहित चैतन्य मात्र देव ये तो दैव शक्ति दिव शक्ति का धरनार देव भगवान आत्मा चैतन्य देव अविनाशी ये कभी नाश नहीं होता। कहीं आई पलटती है उसमें आता नहीं। आत्मा अंतरंग में स्वयं विराजमान है। अंतर में ध्रुव में सारा संघ प्रदेश है। दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है। क्या कहते हैं हाँ संघ प्रदेश है तो ऊपर ऊपर पर पर्याय ऐसा नहीं। सब प्रदेश अंदर में प्रदेश ऊपर पर्याय है। पेट में अंदर में असंख्य प्रदेश है तो दरेक प्रदेश ऊपर पर्याय है। हाँ ये पर्याय को तल में ध्रुव में लगाकर पाताल में भगवान ध्रुव पड़ा है अंदर स्वयं विराजमान भगवान है। उसको प्राणी पर्याय बुद्धि भैरात्मा उसे बाहर ढूंढते हैं। पर्याय अंश बुद्धि राग बाहर ढूंढते हैं। बाहर से कोई मिलेगा कोई क्रियाकांड से वैसे ऐसे वो तो भगवान तो अंतर में बिराजते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप सत शाश्वत चिदानंद ज्ञानानंद स्वभाव ऐसी परिपूर्ण कीजिए उस अंतर में विराजमान है। पर्याय बुद्धि बाहर में ढूंढते हैं। समझ में आया जाने कोई भगवान की भक्ति करने से भगवान आत्मा मिल जाएगा कोई दयादान राज की ममता करने से भगवान मिल जाएगा आत्मा ऐसे वर्तमान अंश को मानने वाला और अंश में पीछे अंदर भगवान समीप में विराजमान है ये पर्याय बुद्धि उसको नहीं सोते हैं। पर्याय बुद्धि बाहर सोते हैं। है जाने समय से कहीं यात्रा करिए तो भगवान मिल जाएगा नहीं ऐसा है आया नहीं एक बार बंदे जो कोई आते हैं कि नहीं एक बार बंदे जो कोई आए नरक पशु नहीं पर नरक पशु नहीं हुई ने हम चार गति न हो तो आया नहीं। ये तो शुभ भाव है उसमें कोई आत्मा मिलता है ऐसा है नहीं।
ये प्राणी पर्याय बुद्धि भाषा मोटू की है पर मर्म बहुत कष्ट है। भगवान आत्मा असंख्य प्रदेशी सुखधाम अनंत अनंत जीव शक्ति का देव उसको अंतर में है क्या सोते नहीं। ये पर्याय बुद्धि बाहर में सोते हैं ऐसा क्यों कैसा होगा ऐसा क्यों कैसा होगा। देवगुरु शास्त्र के बहुत भक्ति बहुत विनय करो कोई प्राप्त होगा ऐसी पर्याय बुद्धि बाहर रुकते हैं। छह प्रकार का तप है ना अभ्यंतर बार प्रकार का तप में छह अभ्यंतर तप है ना प्रायचित विनय होयावस सजाय ध्यान विसर्ग वो भी सब विकल्पात्मक बाहर की क्रिया का अपेक्षा है। उससे रही भगवान जहां है त्यां नजर नहीं करते हमें पर्याय में है नहीं त्यां नजर हमारी से पड़ी है। पर्याय में द्रव आया नहीं द्रव रहते नहीं द्रव है नहीं। अरे आओ वक्त क्या मुड़े मान मनुष्यपणा में ये जाता खूब सम ज्ञान उसको सुनने का मिला और अंतर में जाना पर्याय में द्रव आया नहीं पर्याय द्रव में गई नहीं। हाँ त्यां पर्याय में वर्तमान अंश में सोते हैं यहां से मिल जाएगा ज्ञान का सूक्ष्म बहुत हुआ तो उससे मिल जाएगा तो पर्याय सूक्ष्म पर्याय है उससे वो कोई अखंड तत्व नहीं है। राग की मुंड क्रिया में करते करते अंतर में हम के आत्मदेव मिल जाएगा तो पर्याय बुद्धि है। बहिरात्मा है कहा नहीं पर्याय बुद्धि बहिरात्मा बहिरात्मा बाहर शोधने वाला बहिर्नाम स्वरूप में नहीं ऐसी चीज को शोध कर उसे मिलेगा ये बहिरात्मा है। बहुत जीणु बहुत महाराजा उसे बाहर ढूंढता है वो महाज्ञान है। अंतर में जीव शक्ति देव विराजमान अंतर में जाते नहीं तल में पाताल में जैसे पानी भरा है ऐसे तल में पूर्ण आनंद भरा है भगवान पर्याय से बिन जो के उसका अनुभव करती है पर्याय जे टिकाड़ी ज्ञायक भाव का अनुभव होते है पर्याय में पर पर्याय के आश्रय से द्रव्य का अनुभव नहीं होता। अने पीछे भी अनुभव की पर्याय के आश्रय से चारित्र ने केवल ज्ञान नहीं होगा ये तो विनायक चिदानंद प्रभु आनंद गुण की खान उसके आश्रय से चारित्र ने केवल ज्ञान होगा। लोक बाहर से ढूंढते हैं तो ये अज्ञान है। ये चौदह गाथा की बात किया अब पंद्रहवीं अब शोधने के विषयभूत आत्मा की अनुभूति ये चौदहवीं मां दर्शन प्रदान कथन करके त्रिकाली नायक की अनुभूति सम्यक दर्शन है ऐसा कहा। समझ में आया यहां
ज्ञान की अनुभूति है, ये ज्ञान की अनुभूति है। क्या कहते हैं? जो विनायक स्वभाव शुद्ध चैतन, उसका अनुभव वही ज्ञान का अनुभव है। ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा तो ज्ञान की प्रधानता से ज्ञान की अनुभूति है। ये आत्मा की अनुभूति है, ये ज्ञान की अनुभूति है। पंद्रहवें ग्रंथ में ज्ञान की अनुभूति की प्रधान फल कथन है। ज्ञान की अनुभूति का अर्थ क्या? जे तिकाली ज्ञायक ज्ञान स्वरूप है, उसको ग्रहण करके असाधारण ज्ञान स्वभाव जो टिकाव है उसको ग्रहण करके अनुभव करना प्रवचन अनुसार में आया है। ज्ञान अधिकार में असाधारण ज्ञान स्वभाव को ग्रहण करके पर्याय में अनुभव करना प्रवचन अनुसार ज्ञान अधिकार में आया है। ज्ञान अधिकार है ना, पहले दूसरा दर्शन अधिकार है, ज्ञेय अधिकार को दर्शन अधिकार, तीसरा चरणान योग अधिकार है, तीन। तो ध्यान दिया है असाधारण ज्ञान स्वभाव, ये गुण दूसरा गुण में ऐसी चीज है नहीं, ये गुण दूसरे में है नहीं, आ गुण दूसरे में है नहीं, ऐसे असाधारण गुण को कारण पणे ग्रहण करके ऐसा पाते टीका संस्कृत समझ में आया। ये ज्ञायक है, ज्ञान स्वभाव है, वस्तु है। साकर का अनुभव को हो के दर्पण का, दर्पण कहते हैं मिठास का अनुभव को हो, एम आत्मा का अतिकाल का अनुभव को हो के उसका ज्ञान का अनुभव को हो। ज्ञान क्या? शास्त्र ज्ञान नहीं, सूक्ष्म ज्ञान की पर्यायी पड़ा नहीं, क्षय ज्ञान की पर्याय तो है नहीं अत्यारे, ये तो बात नहीं। आ ज्ञान इतने त्रिकाली ज्ञान स्वरूप जी पिंड प्रभु उसका अनुभव है। ज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान की पर्याय का अनुभव ये आई बात है नहीं। यहाँ तो जैसा आत्मा त्रिकाली है उसका ज्ञान स्वभाव त्रिकाली है, ये ज्ञान का अनुभव लेना है। यहाँ पर्याय का अनुभव, ज्ञान की पर्याय का अनुभव ये नहीं, त्रिकाली ज्ञान का अनुभव। समझ में आया? चौदहवीं कथन है दर्शन प्रधान कथन था, अब यहाँ ज्ञान प्रधान कथन है। तो ये कहते हैं कि शुद्ध नहीं के विषय ध्येय, धर्मी का ध्येय, सम्यक दृष्टि का ध्येय, ध्रुव। सम्यक दृष्टि का ध्येय ध्रुव, ध्यान का विषय ध्रुव। अभी बात उसको विषय भूत बनाकर आत्मा की अनुभूति, ये ज्ञान की अनुभूति है। ये तो ये आत्मा का अनुभव कहो कि ज्ञानी अनुभूति कहो, दो की बात है। गुणी का अनुभव कहो कि ज्ञान गुण का अनुभव कहो, किसकी कहते चल हा मुक्त मार्ग है। जे मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा उसका अनुभव करना ये मुक्त मार्ग है। नहीं तो सम्यक दर्शन की बात चलते समझ में आएंगे, चारित्र तो पीछे ही सोड़ में देगा। चौदहवें में दर्शन अधिकार, पंद्रहवें में ज्ञान मुख्य अधिकार, सोलहवें में दर्शन ज्ञान, चाहे तीनों का अधिकार और बंधन में खो। समझ में आया? सोल में वो लेगा चाहिए, आज तो ज्ञान दर्शन का अधिकार कहा,
ऐसी आत्मा का अनुभव वो सम्यक दर्शन, तो ऐसा ज्ञान का अनुभव भी सम्यक ज्ञान और यही सम्यक दर्शन। धीरा विना ये वस्तु अंतर पकड़ाई भी नहीं मत, घनी धीरज जोई अपने पर्याय में द्रव तरफ झुकाना ये कहीं साधारण बात नहीं। समझ में आया, वर्तमान पर्याय को उसका तवज ध्रुव तरफ झुकाना ये अलौकिक बात है। ये कहेगा इस प्रकार आगे की गाथा की सूचना के अर्थ रूप का ही कहते हैं। पंद्रहवीं गाथा नी सूचना ना उपोद्घात रूप गाथा कहने में आते हैं। फिर आत्मानुभूति शुद्ध नयात्मिकाया ज्ञानानुभूति किल इति मुद्वा आत्मानम् आत्मने निवेश सुनिष्कम्पम् मत्स्य एको वस्ति नित्यं अवबोध घन समन्तात्। अवश्य कवच है मंदिर में, कवच चला मेरे ऐसा कवच है। अमृतचंद राजा उसमें नाम आते हैं भाई, जगमोहन राजा अभी टीका का नाम आते हैं ना अमृत कवच, अमृत कवच ये फूल सिंह पंडित जी का है उसमें लिख है। अभी यार कलश टीका का क्या ना जगमोहन राजा उसका नाम आता है अमृत। ये तो ख्याल में है, ख्याल में है। और तुम्हें ऐसा लिखा है हमने थोड़ा कि ऐसी दृष्टि रख करके समझना, खबर है खबर है तुम्हारा लखन लिखा है बराबर लिखा है। कोई पूछते थी क्या पूछते नहीं ऐसा क्यों उसमें लिखा मेरे को पूछते नहीं कि उस बात जैन तत्व में ऐसा में लेकिन लिखा था तो उसने लिखा पंचतंत्र में चिल्ला अक्षर कैसा है उसका पंडित जी का खबर है। इसने टीका का न्याय की दृष्टि में लेकर समझे उसको वाचना ही दृष्टि के ऐसे वाचना व्यवहार से होगा ऐसा होगा ऐसी दृष्टि से नहीं वाचना पंडित जी लिखा है। आए तो अमृतचंद्र आचार्य ने अमृत कलश क्या कहते देखो इस प्रकार या शुद्ध नयात्मिका आत्मानुभूति जी पूर्व कथित शुद्ध नय स्वरूप आत्मा की अनुभूति द्रव की आत्मा ज्ञायक जो त्रिकाली का अनुभव है वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। क्या कहा त्रिकाली ज्ञायक जो स्वभाव भाव ध्रुव उसका अनुभव वही उसका ज्ञान स्वरूप भगवान उसका ही अनुभूति है। गुण से लो तो ज्ञान की अनुभूति है, दर्द से लो तो आत्मा की अनुभूति है, वो तो एक नहीं है। अरे भाई आऊ क्या मोरे बापू, अरे आ मनुष्य पण खाई जाए चालू जाए करने की चीज तो आ है बाकी बनू।
शुद्ध नहीं स्वरूप जो भगवान काये त्रिकाली पण शुद्ध नहीं एनी अनुभूति पण शुद्ध नहीं स्वरूप वही वास्तव में ज्ञान की अनुभूति है। यह जानकर क्या किया समझ में आया, वस्तु जो स्वयं देव द्रव्य ध्रुव वस्तु विनायक आत्मा उसका अनुभव को हो के उसका ज्ञान गुण को कारण गर्भ बनाकर अनुभव को हो दो एक बात है। अनुभूति यह जानकर सुनिष्कंप निवेश आत्मा में क्या कहते देखो हो गए भगवान ज्ञायक स्वरूप में आत्मा को निचल स्थापित कर पर दे बिना सहारा बिल्कुल नहीं एम कहते हैं जिसमें विकल्प आदि परद्रव्य का निमित्त का देव गुरु का अपन सहारा नहीं अपना आत्मा में आत्मा को थपिर करके समझ में आया है आत्मनी आत्मनम सुनिष्कंपम निवेश निवेश आत्मा में आत्मा को का नाम अपना निर्मल पणति को द्वारा अंदर थपन दो उसका कोई राग ने निमित्त का सहारा जिसमें नहीं मोहमात आ शुरुआत में वस्तु आ है धर्मनी शुरुआत यहां से होती है चारित्र तो पीछे यहां तो दर्शन का अधिकार किया ज्ञान का अधिकार चारित्र तो पीछे ज्यां दर्शन ने ज्ञान ज्यां सच्चा नहीं त्यां चारित्र का से आया समझ में आया आत्मा में आत्मनी छे ने आत्मानम आत्मा को अपना आत्मा में अपना आत्मा को निर्मल स्वभाव द्वारा थपित कर वो राग ने पर से थपित नहीं होता है हम बताते हैं अपना स्वरूप को अपना स्वरूप से थिर को अंदर कर आत्मा को आत्मा में भगवान चिदानंद प्रभु ऐसा आत्मा को आत्मा में ना अपनी शक्ति में स्थापन कर निवेश कर निवेश कर आज त्या वास ले अभी वह तुझे जीनी ये कोई 5-25 लाख खर्ची जाए ना धर्म थी जाए ऐसा है नहीं मंदिर बनवा दे बे 5 दो गजर चला दे धर्म हो जाए इनकार में है नहीं पर का सहारा बिना आत्मा में आत्मा को अरे मार्ग तो प्रभु आ है भाई ऐसा कहीं महाराज तो फिर कोई मंदिर नहीं बनवाएगा माने बने बना भी सकते ही नहीं ये मना तो होएगा होएगा उससे बनते ही नहीं ये परमाणु पुद्गल की पर्याय जी समय जाओ उत्पन्न होने की है ये उत्पन्न होगी पर से नहीं समझ में आया आत्मा में आत्मा की पर्याय स्वभाव द्वारा स्थापन करें उनके राग द्वारा नहीं पर द्वारा नहीं
अपना निर्मोह पर्याय द्वारा आत्मा में ठीक होना। आत्मा में आत्मा को, पहले आत्मा में आत्मा को एक निर्मल पर्याय द्वारा ठीक कर। निर्मल पर्याय अनुभूति आत्मा है। ये पहला शोध में आगे आए, आत्मा कहो शोध नहीं कहो अनुभूति कहो, तीन बोला गया है चौदहवीं में संस्कृत टीका का पाठ है। समझ में आया, ये भगवान पूर्णानंद ने पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो उसकी निर्मल प्रणति द्वारा त्याग अंग स्थाप कर आत्मा ने स्थापन न कर, राग ने पुण्य ने व्यवहार से अंतर में स्थापन कर ये चीज है ही नहीं। समझ में आया, हाँ राग ये है ना कि व्यवहार करते करते नीचे होगा, बिल्कुल झूठ बात है। समझ में आया, प्रभु तेरी चीज की शुद्ध प्रणति द्वारा त्याजा उसका सारा राग काम प्रदेव का बिल्कुल है नहीं, आवी चीज है। पहला उसका ज्ञान में निर्धार तो नक्की करे कि राग से आत्मा प्राप्ति नहीं होती, अपनी निर्मल प्रणति द्वारा प्राप्ति होती है। अरे उसकी कायम रहने वाली चीज क्या है, ये तो ज्ञान आनंद आदि कायम रहने की चीज है, राग आदि कोई चीज उसकी नहीं, यानी एक समय की पर्याय भी कायम रहने की चीज नहीं। तो ये निर्मल पर्याय प्रकट करके आत्मा ने खाप किया, दृष्टि का दूर त्या रखा कर निर्मल प्रणति प्रकट कर त्याग मना जा। अभी बात से बीजी रीति कहिए तो जी निर्मल प्रणति जो है षटकार से प्रणति उत्पन्न होती है। क्या किया जी द्रव है एमा षटकार शक्ति रूपे तो पड़ा है, पण जो परिणति होती है सम्यक ज्ञान की सम्यक दर्शन की अनुभूति की ये भी षटकार के प्रणमन से उत्पन्न होती है। क्या किया समझ में आया, सम्यक दर्शन की पर्याय सम्यक ज्ञान की अनुभूति की पर्याय, ये पर्याय पर्याय की कर्ता पर्याय उसका कार्य पर्याय उसका साधन पर्याय साधन पर्याय उसका संप्रदान पर्याय से पर्याय हुई पर्याय के आधार से पर्याय हुई। यहाँ पर्याय साधक है, राग से बिन पड़ के आत्मा का साधन किया वो पर्याय साधक है, राग माग साधक है नहीं, समय सारी आत्मा आ समय सार की भाषा भी आधार नहीं थे, और समय सार वहां से जो ज्ञान हुआ वो भी उसका आधार कारण नहीं। क्यों, अरे भगवान पासे सुना समय सार इतने आत्मा उसका लक्ष्य आया कि भगवान हम कहते, पर वो ज्ञान के आधार से अंदर में जा सकते ऐसा नहीं। के वो पर्याय पर लक्ष्य है, अने स्वलक्ष्य पर्याय द्वारा अंतर में जाना। पंडित जी बहु जेनी बात भाई, अरे मनुष्य पण जाए छे भाई ये आंखों विचे इन क्या दिखी आज पत्तो न लिया, क्या ही कोई शरण नहीं। ये भगवान आत्मा को
आत्मा की निर्मल प्रणति द्वारा जहां निवेश था तदन निरालंबन पर के आलंबन बिल्कुल नहीं, समझ में आया। अपना ज्ञायक भाव का आलंबन देकर जो परिणति उत्पन्न हुई ये आत्मा है, वैसे उसको कहा तो आत्मा को आत्मा से इतने निर्मल प्रणति द्वारा तीर्थ अंदर। हाँ हाँ से भाई स्थापित करके नित्यम समंता एक अभूत घन अस्ति जे प्रभु आत्मा सदा सर्व और एक ज्ञान गम आत्मा है। इस प्रकार देखना, इस प्रकार अनुभव ना। आओ महाराज लोगों ने एकांत लागे से ना कि आप उसके मैटे कोई साधन है कि नहीं, कम कहते थे श्रीमद में गए थे ना अगास आश्रम व्याख्यान सुना एक घंटा बिछाया एक मारवाड़ी कि तुम्हें कहती बच्चों उसका कोई साधन साधन ना पाए क्योंकि आत्मसिद्धि में अपन ऐसा आता है निश्चय राखी लक्षणा साधन करवा सो ये साधन है ही नहीं भाई। ये प्रज्ञा छीणी राग से बिन कर जो हुआ वो ही साधन है। प्रज्ञा छीणी द्वारा आत्मा में भेद करके पर से भेद करके अंतर में जाए सूक्ष्म बात है भाई। आ तो सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ जिनेश्वर देव नो आ कथन है प्रभु, आ कोई कल्पित ज्ञानी ना कथन नहीं है। संतो कहते हैं इसका सर्वज्ञ ने कहा ये इसका आड़तिया होकर कहते हैं मार्ग तो भगवान हम कहते हैं हम तुमको कहते हैं हमें भी ऐसा किया है ऐसा न करके जिनवर एम कहते आते ना क्या कहते जिनवर एम कहते ऐसा कहते परमात्मा का आश्रय लेकर बोलते यहाँ के सदा सर्व और क्या कहते हैं सदा नाम त्रिकाल सर्व और चारे बाजू से एक ज्ञान घन भगवान अनुभूति ज्ञानी अनुभूति लेना है आत्मा ने अनुभूति मंदिर का अनुभूति एक ज्ञान घन ज्ञान पुंज ज्ञान पिंड आत्मा है इस प्रकार देखना चाहिए। है पिंड ज्ञान का पिंड जेम के रूह का पिंड है ना ढोकड़ा क्या ढोकड़ा ढोकड़ा क्या कहते हैं गट्ठा रूह का गट्ठा नहीं आते मोटा रूह का या ज्ञान का गट्ठा है अंदर स्वभाव स्वभाव ज्ञान स्वभाव का गट्ठा है भगवान मार्ग बहुत ऐसा है। अरे उसे नहीं करना पड़ेगा प्रभु शरण भी जा नहीं है कहीं वितराग त्रिलोकनाथ इंद्रोनी समक्ष में हम कहते थे एक भवतारी इंद्र जारी सुनने को आते हैं त्या भी आते हैं अभी भगवान थे त्या ही आते थे महावीर प्रभु इंद्र न इंद्राणी दो एक भवतारी है अभी सुधर्म देव लोग एक बहुत है छा मनुष्य देखो लोग जाने वाला है उसके पास आप भगवान कहते थे। उसकी तो खबर है उसको सम्यक दृष्टि है समझ में आया। प्रभु तुम आत्मा की अनुभूति हम कहा हवे तो हम कहते हैं कि ज्ञान की अनुभूति एक गुणी का अनुभूति कहा था अरे गुण का अनुभव पर गुण ये ज्ञान घन अखंड पूर्ण है गुण भिन्न गुण ऐसा नहीं एक गुण का पिंड प्रभु आत्मा ज्ञान घन है एम कह रहे हैं एक ज्ञान गुण भिन्न ऐसा नहीं एक ज्ञान घन है
सदा सर्वो त्रिकाल चारे बाजू से एक ज्ञान घन आत्मा है प्रभु। इस प्रकार देखना, एक प्रकार अंदर में देखना, अनुभव करना। बाबा पहले सम्यक दर्शन को प्रदान करके कहा था बाबा, अब ज्ञान को मुख्य करके कहते हैं कि शुद्ध नहीं के विशेष रूप आत्मा की अनुभूति सम्यक ज्ञान है। पंद्रह जो पसई अपान अबद्ध पुठम विशेषम अपदेश संत मजम पसई जन शासनम सलम अबद्ध स्पष्ट अन्य जो अविशेष देखे आत्म को मूल द्रव्योर जो भाव जिन शासन सकल देखे हो उपदेश नो द्रव्य लियो मध्यम शांति कृष्ण सूत्र समय भाव सुन लिया। कहते हैं कि नहीं उपदेश में अखंड अखंड द्रव्य लेना अखंड प्रदेश लेना ऐसा ही बात है नहीं, समझ में आया? अभी छपा है समय सार में, ऐसा है ही नहीं। इनके द्रव्य सूत्र में अपन आप द्रव्य सूत्र आ शब्द द्रव्य सूत्र है, द्रव्य सूत्र में इनके अमृतचंद्राचार्य द्रव्य सूत्र का अर्थ उसमें से निकाल उपदेश का निकाला ही नहीं, पर उपदेश कहा वो भी द्रव्य सूत्र है। अने द्रव्य सूत्र में से भाव सूत्र कहना था द्रव्य सूत्र में भी कि अंतर आनंद का अनुभव करना भाव सूत्र द्वारा वो भाव सूत्र है, द्रव्य सूत्र में भी ऐसा कहा। देखो कलश लिखा है ना, हमें कलश लिखा तीर्मा पहला तीर्म श्लोक गए ना अपने, उसके कलश टीका में ऐसा दिया है, कलश टीका है एकदम देखो आत्मानुभव एम कहते हैं ज्ञानानुभव ऐसा कहने नाम भेद है, वस्तु भेद नहीं। गुजराती आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है, आ प्रसंगे बीजोपन संशय उत्पन्न होता है। राजमंडी टीका है कि कोई जान से कि द्वादश ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि है, द्वादश ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि कोई कहे ऐसा है नहीं, ये तो विकल्प है पंडित जी, ये तो द्वादश ज्ञान पूर्ण विकल्प है। हवे अपने तो उपदेश माथे निकलना है, उसमें पण द्वादश ज्ञान में पण ऐसा कहा है कि आत्मानुभूति मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? बार अंग में भी कहा है, ये द्रव्य श्रुत है, विकल्प आत्मा कहा है उसमें ये आत्मानी अनुभूति इतने मुक्त मार्ग है ऐसा कहा, तो द्रव्य श्रुत में भी आया। इसी अमृतचंद्राचार्य उपदेश नो अर्थ न किया क्योंकि उपदेश तो अपना सूत्र ही है, ये सूत्र ही है उपदेश, इस सूत्र में भी ऐसा कहा द्रव्य श्रुत में। अरे भावश्रुत तो उसे है अंतर अनुभव हुआ तो भावश्रुत ज्ञान द्वारा भावश्रुत में आत्मा दान में आ जाता। कलश ने टीका किया है, गुजराती से हिंदी नहीं हुआ, ये हिंदी में ऐसा है, द्वादश ज्ञान ये उपदेश आया उसमें द्रव्य श्रुत आ गया, उसमें अमृतचंद्राचार्य बोल लिया तीन पर पांच ही लेना, पंद्रह में तीन बोल लिया है पांच में दिया, पर ये तो गाथा दुसंकीर्ण है वो कारण है। ये प्रश्न हुआ था बहुत दस दस के साथ में,
24 रुपए में वो था ना, वो मुख्यत्यार दिल्ली या मुख्यत्यार जुगल किशोर जुगल जी ये एक टीका किसने मुझसे किया था खबर है, एम क्या तीन बोल है, तीन बोल लेना पांच में, पर तीन में पांच आता है अमृतन टीका में दिया है, पर टीका करते थे खबर है हमको, दसवीं साल 24 वर्ष हुआ हमारे लाठी गई थी त्या आया था वो लखाना कि 15वीं गया था मैं तीन बोल कहा है पांच दो दो बोल क्या से हम निकाला, पर अमृत चंद्र आकर कहते हैं तो संकीर्ण के करके बनाया है देखो टीका है ना, जो ये अमृत स्पष्ट टीका अनन्य नियत अविशेषण संयुक्त पांच लिखा रहा है अमृत चंद्र आकर लिखा रहा है, अरे मानस अपनी कल्पना से करे से न चले भाई, संतों की वाणी दिगंबर संतो एड्डे कौन है, ये केवल ज्ञान ना टुकड़ा है, अरे एक वक्त तो ऐसा कहा कि भीतर केवल ज्ञानी ने मुनि में कई फेर में देखू नियमसार में जा सका है, मुनि एटले कौन परमेश्वर पद आ वितरागी आनंद उथड़ी रहा है, प्रचुर स्वसंवेदन जिसका मोर साफ है, पांचवी घात में आया है हाँ ये पढ़ा है, प्रचुर स्वसंवेदन जिसका मोर साफ है, मुनि पढ़ा की भावलिंग की छाप क्या, प्रचुर थोड़ा संवेदन आनंद का तो चौथे पांचवें भी आता है, मुनि को तो प्रचुर स्वसंवेदन मोर छाप मारी है, पोष मास मारते हैं पत्र एम आ भगवान कहते हा संतो नी वात बापा एने पकड़ कसम एम कहते हैं अमृत गुनकुंडाचा टीकाकार करिए कि मुनि अपना निज वैभव से कहेगा, निज वैभव क्या अपना आनंद का अनुभव जो हुआ हो, निज वैभव की क्या चीज स्वसंवेदन प्रचुर बहुत अतीन्द्रिय आनंद का वेदन ये उसकी मौर छाप है, साधु का भावलिंग के मौर छाप त्या साधु को ना चलता है, समझ में आया मान के ऐसा है यहां कहते देखो जी पाठ में तो दो तीन बोल लिया अबद पेठ अन्य अविशेषण और संयुक्त ये रह गया ये मैं आ गया जब उसमें आ गया उसमें ले लेना, तब वो टीका करते थे मुख्यत्या आ गया जुगल जगह नहीं है राजकोट गया जे अबद स्पष्ट राग ने कर्म का संबंध बिना किया आत्म चीज है, अनन्य अनेरी अनेरी गति आदि से बिन अनन्य है, नरक मनुष्य आदि अनेरी अनेरी गति से अनन्य है, अनन्य नहीं नियत पर्याय में अनेकता पर्याय में आती है अगुरु लघु आदि उसे रहित नियत है और अविशेष गुण भेद से रहित समान है, अविशेष को समान को विशेष नहीं ऐसे आत्मा को पांच भाव स्वरूप अमृत चंद्राचार्य तो कहते हैं कि पांच भाव स्वरूप का थम से लेना, लोगों मानस अपनी टीका करते हैं उपदेश का अर्थ अमृत चंद्राचार्य समझा नहीं मटे नहीं क्या एम कहते एम आया था छापा में, अरे प्रभु एम न कहते अमृत चंद्राचार्य संत कौन था, ये चाल था सीध था
अरे क्षेत्र में था हजार वर्ष पहले। काल का दोष बस है नहीं भैया, ये कहते हैं क्या ये उसका सत्संग का अज्ञान का दोष है। आए कहते हैं कि पांच बोल स्वरूप अनुभूति है, पांच भाव स्वरूप आत्मा के पांच भाव आए तो बद स्पष्ट को निकाल कर अबद स्पष्ट लिया तो ये पांच भाव स्वरूप लिया अस्थि पड़े, बद स्पष्ट नहीं ऐसा न लेकर अबद स्पष्ट है, नियत है, अविशेष है, ऐसा भाव स्वरूप, ऐसा पांच भावना अस्थि स्वरूप आत्मा की अनुभूति है। जो द्रव्य सूत्र आ गया उसमें द्रव्य सूत्र का अर्थ किया है नहीं है नहीं, आ द्रव्य सूत्र है आ। समझ में आया बहु आंखों काम भाई, अरे संतो नी भूल निकालना, परमेश्वर ने भूल निकालना जैसा है। संत हता था क्या, अरे जी बापू आपने बेचारे कोई व्यक्ति नु अपने काम नहीं, अपने तात्विक बात में बात है, अंगत बात हो सब समझ ना समझे समझ। हाँ हाँ भाई मुनि किसको कहे, जिसके आत्मा का आनंद की अनुभूति हो ये उपरांत जिसको अनुभूति की ऊर्धता बढ़ी गई हो, ये आनंद में झूले झूलता हो, प्रचुर इंद्रिय आनंद ना वेदन में झूलते हो, शब्द में आता है तो इंद्रिय आनंद में छठे आते जरी विकल्प आ जाता है, छता अंतर में इंद्रिय आनंद की भूमिका प्रमाणित है। समझ में आया भाई मुनि पुण भाई बाबू रोकिक चीज है ये आई कहते हैं। अब आप आए तो इस समय ज्ञानी बात है, ऐसा आत्मा जो अबद्ध स्पष्ट है, मुक्त स्वरूप है, निश्चय है, सामान्य है, इसको अनुभव करना पांच भाव स्वरूप का, उसका नाम अनुभूति। ये जैन शासन की अनुभूति है, जैन शासन है, वितरागी पर्याय भाव शुद्ध ज्ञान ये जैन शासन है। धर्म सूत्र में तो कहा था, भाव सूत्र में वो आत्मा अनुभव में आया, वो जैन शासन है। समझ में आया है, आऊ हम जैन शासन, जैन शासन कोई पक्ष न थी, वो तो वस्तु अमृत स्पष्ट है, उसका अनुभव उज्जैन शासन, वो तो वस्तु की स्तर स्वरूप स्थिति है। समझ में आया है क्या, महारंग में आ कहा है ये कहानी बताया ना अभी, बारंग में भी अनुभूति बताया है, बारंग का विशेष नहीं विकल्प है, विशेष नहीं विशेष नहीं। अंतर की अनुभूति इसमें कहा ना आत्म अनुभव में कहा था, निश्चय शुद्ध केवड़ी है अपना भगवान पूर्ण आनंद आदि दीव शक्ति का भंडार प्रभु, उसको अमृत स्पष्ट स्वरूप है, नियत स्वरूप है, सामान स्वरूप है, अने राग आदि आपको तसर ही स्वरूप है, हैं? इस रुचि शुद्ध केवड़ी है।
अनुभव है, भाव खुद है ना क्या? नवमी का तनका है, नवमी का तनका जो सुयेण गच्छय अपान गिण तुम केवल सुतम तं सुई केवली सेणो भनंती लोग प्रदीप करा। नवमी गाथा है जो स्वयं आई गई भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा आत्मा को अनुभवते हैं, या जो स्वयं आई गई भाव शुद्ध द्वारा अंदर में अनुभव करते हैं, स्वयं आई गई अपानंत इणंग तुम केवल शुद्धम तम सुई केवली से अनुभवती लोक लोकना देखना रा सर्व जो केवलियो अथवा शुद्ध केवलियो इन्हें शुद्ध केवल कहते हैं। अग्यार का था और दसवीं का था, दसवीं नौ नौ नौवीं का था, दसवीं व्यवहार नहीं विज्ञान मिशन कितनी है। यहां कहते हैं जिन शासन आ भगवान ने कहना है या वितराग पर्याय, चार अन्यु का तात्पर्य वितराग भाव है। ये 173 का था, कहा एक सूत्र तात्पर्य का अर्थ क्या, शास्त्र तात्पर्य के वितराग था, ऐसा पाठ है 173। चार अन्यु का तात्पर्य वितरागता है, वितरागता पर्याय में आना ही तात्पर्य है। तो वितरागता कैसे कब आएंगी कैसे, कि जो त्रिकाली न्याय का बद स्पष्ट है ये वितराग स्वरूप है, उसके आश्रय से वितरागी पर्यायेंगे। ये चार ही अनुयोगों में आत्मा वितराग स्वरूप का आश्रय लेना वो कहा है, समझ में आया? यही बात से भाई हाँ, तो परमात्मा त्रिलोक नो नाथ सर्वज्ञ देव એની પાસે ગઈ છે કુંકુંડાચાર, હવે એને ઉડાવે છે કે મહાવીરમાં નહોતા ગયા, અરે પ્રભુ શું કરે છે? જૈસે નાચા ની ટીકા હે 85 ખાય, ઉસમે લિખા હે મહાવીર મેં જાકર આયે ઓર શિવરાજ કુમાર કો માટી બનાયા, એસા પાઠ હૈ ઓર દર્શન સારે દિવસે નાચાર કા, ઉસમે તૈસા લિખા હૈ अरे कुंकुंडाचार महावेदी में जाकर जो न लाया तो हमें मुनिपणा कैसे प्राप्त होगा, ऐसा लिखा है दर्शन साहब देव से नाचार। तो नाम मुनि कहते हैं, बाकी तो अष्टावन नीतिका है ना, वो सूत सागर तो बता जैसा ये था, उसकी उस समय इधर ही पावनी पास ये लिखा है महावेदी से आया था। पर आप तो दर्शन सार देव से नाचार 85 का है जैसे नाचार, ऐसा पाठ है। अरे ये बस सोनगढ़ में कहते हैं उसका विरोध करना, सोनगढ़ वाला कहते हैं कि मैं कुंभाचार गए थे तो कहना प्रयोजन है। हाँ तो बात ऐसी है, यहाँ तो प्रभु एम कहते हैं जैन शासन किसको कहे, चार इनियों का सार किसको कहे, कि अपना अबद स्पष्ट की अनुभूति करे भाव शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध उपयोग भाव शुद्ध ज्ञान ये जैन शासन है। दृढ़ श्रुत में भी ये कहा है भाव श्रुत आ है, तेरमा कवश ने अंदर टीका कि द्वादश अंग विकल्प है पर कहा है अनुभूति, बाहरी अंग में कहने का आश्रय तो प्रभु आत्मा, उसकी अनुभूति का आश्रय ले द्रव का तो अनुभूति होगी, ये अनुभूति वितरागी पर्याय है, वितरागी पर्याय को जन शासन को हो। आम समझाई हूं से मुं हम समझाई बात नहीं, बहुत सरल सरल से सुधी बता।
हाँ अभी बात से तुम अमृतपष्ट अनन्य नियत अविशेष संयुक्त ऐसे पांच भाव स्वरूप, ऐसे पांच भाव स्वरूप देखो, ऐसा भगवान ऐसा पांच भाव स्वरूप है, आत्मा ऐसे पांच भाव स्वरूप है, क्यों समझ में आया? ऐसे पांच भाव स्वरूप आत्मा देखो है, अबद्ध स्वरूप अन्यत्व इतने अनेरा अनेरा नहीं, नियत निश्चय समान और असंयुक्त राग से संयुक्त नहीं, ऐसा पांच भाव स्वरूप आत्मा। ऐसे पांच भाव स्वरूप भगवान आत्मा त्रिलोकनाथ परमेश्वर एम कहते हैं, एक कौन कुंडाचार कहते हैं, ये पांच भाव स्वरूप भगवान आत्मा है अंदर, अबद्ध ना मुक्त स्वरूप है, निश्चय है, राग से रहित है और सामान्य स्वरूप है, और पर्याय नहीं अनेकता से भिन्न एक रूप है। अरे बात कुछ मत, ऐसा पांच भाव स्वरूप ऐसा है ना, ऐसे पांच भाव स्वरूप, ऐसे पांच भाव स्वरूप इतने अबद्ध स्पष्ट नियत अनन्य अविशेष संयुक्त, ऐसे पांच भाव स्वरूप आत्मा उसकी अनुभूति ये भाई आए, अब पांच भाव स्वरूप तो आत्मदर्द समय सार तो वितरागिनी साक्षात वाणी जगत ना भाग्य से आशा से रही गया सा अरे हमने तो खेत ऐसे घर में क्या तन क्या भी पीड़ा थी, मैं क्या प्रभु पास होता नहीं आई पीड़ा थी बाप, हमको तो हर्ष होता है, है हमको तो मान हर्ष होता है, लाभ तो एक तीर्थन करना घर की बात है प्रभु, शाह गजब बात है, भाग्य से जगत ना क्या भी वाणी आने खाने पड़े। भगवान आत्मा कैसा है कि अबद्ध स्पष्ट है, राग से हमें विस्सा परमाणु से स्पर्श नहीं संबंध नहीं, और अनन्य है, अनन्य है, अनेरी अनेरी गति है नहीं, अनन्य है, ये ना ये है ऐसा ऐसा नियत है, पर्याय में अनेकता कोई ऐसा नहीं, नियत निश्चय है, और गुण का विशेष भेद उसमें नहीं, ऐसा ही सामान्य है, और असंयुक्त नाम राग की आकुलता से रहित है, ये आनंद प्रभु है, हम जानू कहा है। ऐसे पांच भाव स्वरूप आत्मा उसकी अनुभूति, ऐसा पांच भाव स्वरूप आत्मा उसकी अनुभूति, यह निश्चय से समस्त जिन शासन सारा जैन शासन का ये सार है, समझ में आया, निश्चय से समस्त जैन शासन, समस्त जैन शासन
चारे अनुयोगना सूत्र में अने जैन शासन भाव सूत्र में आ है, समझ में आया? भाव सूत्र अबद्ध पृष्ठ को अनुभवे ये जैन शासन है। भाव सूत अबद्ध पृष्ठ को अनुभव ये जैन शासन है। अर्थात ये पांच भाव स्वरूप वितराग स्वरूप भगवान आत्मा, उसका अनुभूति पर्याय वितराग ये जैन शासन है। क्योंकि विशेष आएगा